शुक्ल पक्ष की एकादशी को चंद्रमा की एकादश कलाएं प्रभावित करती और वो प्रभाव जीवों पर पड़ता है। ऐसे कृष्ण पक्ष की एकादशी सूर्य मंडल की एकादश कलाओं का जीवों पर प्रभाव डालती है। इसीलिए महापुरुषों ने एकादशी के व्रत को सर्व कल्याणकारी व्रत पाया। श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए युधिष्ठिर कहते हैं, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुण थिनी एकादशी के व्रत से क्या क्या लाभ होता है उसका महात्म मुझे सुनने की इच्छा है, श्री कृष्ण आप कृपा करें। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मानधाता राजा और धुंधुमार आदि भी एकादशी व्रत से तेजस्वी तपस्वी जीवन बिताते हुए प्रजा के प्रिय और भगवत प्राप्ति में सफल हुए। मानधाता राजा पृथ्वी पर का बड़ा सुप्रसिद्ध राजा हो गया। एकादशी का व्रत करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जैसे घोड़े का दान करने की अपेक्षा हाथी का दान ज्यादा पुण्यदायी और हाथी दान से भी भूमि दान अधिक माना जाता है। भूमि दान से तिल दान और तिल दान से सुवर्ण दान, सुवर्ण दान से भी अन्न दान और कन्या दान गौदान श्रेष्ठ माना जाता है। और इन सभी दानों को एकादशी का व्रत करने वाला उस सभी दानों के फल को प्राप्त कर लेता है। अपनी पापनाशिनी भावनाओं का शमन करता है, आंतों की शुद्धि, पेट की शुद्धि, भावों की शुद्धि करके भगवत भक्ति में तीव्रता लाने वाला एकादशी जैसा नित्य व्रत और कोई नहीं है। ये नित्य दो बार महीने में आती है, इसको नित्य व्रत कहते हैं। कोई पाप हो गया, इस पाप के प्रायश्चित के लिए जो व्रत किया जाता है वो नैमित्तिक व्रत होता है। तो नित्य व्रत नैमित्तिक व्रत करके जीव अपने चित्त को शुद्ध रखे और अपना सत्व गुण बढ़ाए और उसमें भगवान के नाम का रंग जोड़ देने से जीव का भगवत भाव बनने से संसार का राग द्वेष और चिंता उसे दबोचती नहीं है। रोजी रोटी के लिए उसको बिलखना नहीं पड़ता है। वो पुण्य लोक को प्राप्त करने वाला यहां भी सहज में सुखद जीवन जीता है। ऐसे कईयों के जीवन में भगवान न जाने क्या क्या लीला करते, हमारी नजर नहीं जाती। हम बोलते कर्म का फल है, अरे भगवान की कृपा है। माँ अपमान करा के भगवान अहंकार मिटाते, विफलता देकर भगवान लापरवाही मिटाते, सफलता देकर भगवान नीरसता मिटाते। सफलता विफलता मान अपमान देकर कैसा छोटे से एक पानी के बूंद में से पैदा हुए और माँ के शरीर में हमारी नाभि माँ के जेर से जोड़ते, हमारे को जैसा भी दूध चाहिए माँ के शरीर में बनाते, जितना चाहिए इतना पिया, छोकर 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 तुम्हारे बापू भी वैसा ही करके आए। ज्यादा मीठा भी नहीं, ज्यादा मीठा होता तो डायबिटीज होती, ज्यादा फीका होता तो अच्छा नहीं लगता, ज्यादा ठंडा होता तो वायु करता, ज्यादा गर्म होता तो वो मुंह जलता। कैसा टेम्परेचर मेंटेन कर दिया माँ के शरीर में, तुम भी पी के माँ बनी हो और तुम भी पी के बाप पड़े हो। कैसी व्यवस्था है भगवान की, वो भगवान हमारे हैं बस। श्री कृष्ण यशोदा के कान में बोलते हैं माना ओम, और यशोदा कृष्ण को बोलती अब वो यशोदा कृष्ण तुम्हारे पास भी है। भगवान को यश देने वाली पवित्र बुद्धि का नाम यशोदा है और बुद्धि को जानने वाले अंतर्यामी प्रभु का नाम कृष्ण है। अभी थोड़ी देर कृष्ण यशोदा की अमृत रस में जरा रसपान करो। प्रभु मेरे हैं, मुझे चाहिए, मेरे प्यारे हैं, मेरे अंतर्यामी हैं, मेरे हितेशी हैं, मैं जैसा तैसा हूँ उनका हूँ, मैं कैसा भी हूँ। माँ ऐसा थोड़ी सोचती कि नाक साफ करके आएगा, नहा के आएगा तभी तेरे को दूध पिलाऊंगी। माई आई आई मजो मूल गो, पियो पियो
ऐसे आप बोलो तो भगवान अभी पिलाते अपना अमृत रस, अभी अभी रस आएगा भगवत रस, अभी अभी तुम्हारे हृदय में भगवान के ओमकार का रस आएगा, हरि रस आएगा। रोज ऐसा रस पिया करो भगवत भक्ति का। नीरस आदमी होता है तभी विकारी होता है, चिंतित होता है, दुखी होता है। भगवान का रस तो विकार नियंत्रित, दुख नियंत्रित। रेलगाड़ी आ जावे, ओम 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 प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम 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 बतिया बिहारी झूमे का भगवत रस पिए का भोजपुरी हो तो वो भी खाई खाई मजा आई बटलवा माजे को बिटवा भाग जाए तो ओम 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 प्रभु ओम 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 हरि ओम 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 रामा ओम 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 श्यामा ओम 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 हरि प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 हरि आपली जगह छोड़ू नका आनंद है ओम हरि के ओमकार जब से पेट की तकलीफें ठीक हो जाती है, दिमाग की कमजोरी ठीक हो जाती है, लीवर की गड़बड़ी ठीक हो जाती है, मन बुद्धि की गड़बड़ी ठीक हो जाती है, क्योंकि भगवान का ओमकार नाम बड़ा शक्तिशाली है। ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 रामा ओम 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 प्रभु ओम 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 रामा ओम 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 गुरु ओम 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 हरि जादू है Om 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 om